नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। सेकेंड फेज की वोटिंग की वो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूं जो आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी कि दो फेज के बाद यह चुनाव कहां खड़ा है। यूपी की 8 सीटों पर क्या खेला हुआ आज, बंगाल में बंपर वोटिंग क्या कह रही है, दूसरे फेज की 88 सीटों पर किसका पलड़ा भारी आपको पब्लिक खुद बताएगी। मुसलमान वोटर भर भर के घरों से निकला, वोट किसको देकर आया है। चलती वोटिंग के बीच मोदी के लिए वो खबर आई कि खेला हो गया। मोदी शाह की जोड़ी ने आज कांग्रेस की कौन सी दुखती नस फिर से दबा दी है, यानी चुनावी खबरों का वो कंप्लीट चैप्टर जो देख लिया तो सब जान लिया। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली मेयर का चुनाव प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तय नहीं हो पाने की वजह से एलजी विनय सक्सेना ने स्थगित कर दिया, जिसके बाद एमसीडी की बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी के पार्षदों ने सदन में गाने चलाकर डांस किया तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। बंगाल में वोटिंग के बीच सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए संदेश खाली मामले के आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने रेड में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और विदेशी हथियार भी बरामद किया। यह छापेमारी सर्बेरिया के मल्लिकपुर में शाहजहां शेख के करीबी हफीजुल खान की भाभी के घर पर की गई। यह तलाशी अभियान ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में हुई। गुजरात कांग्रेस ने सूरत से प्रत्याशी रहे निलेश कुंभानी को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। निलेश कुंभानी को कांग्रेस की शिष्ट समिति ने जवाब देने का वक्त दिया था, लेकिन नामांकन फॉर्म रद्द होने के बाद कुंभानी ने समिति के सामने पेश नहीं वो हुए और कांग्रेस का आरोप है कि कुंभानी ने बीजेपी के साथ मिलकर खुद का फॉर्म रद्द करवा दिया। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी चक मोहल्ले के घर में छिपे हुए थे। जब सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरा तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक और 2 सैनिक जख्मी हुए। पिछले 48 घंटे में उत्तरी कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह दूसरी मुठभेड़ है। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुजरात एटीएस ने अवैध हथियारों के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 25 से ज्यादा हथियार बरामद किए। इस मामले में एटीएस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रांसपोर्ट के जरिए अलग अलग राज्यों से हथियार मंगवाते थे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, सेकेंड फेज की वोटिंग की वो ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आया हूं जो पूरी पिक्चर क्लियर कर देगी। यूपी की 8 सीटों पर क्या खेला हुआ है, बंगाल में बंपर वोटिंग क्या कह रही है, दूसरे फेज की 88 सीटों पर किसका पलड़ा भारी खुद पब्लिक से सुनिए। मुसलमान वोटर भर भर कर निकल रहा है घर से, वोट किसको देकर आया है, सबसे पहले इसका चैप्टर। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण भी आज खत्म हो गया। पहले चरण और दूसरे चरण के बीच चुनाव में फर्क यह आया है कि चुनावी माहौल में गर्मी बढ़ चुकी है। पहले लोग कह रहे थे कि मौसम में गर्मी बहुत है लेकिन चुनाव ठंडा है, लेकिन दूसरे राउंड के साथ ही यह नैरेटिव भी खत्म हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देता हूं, दूसरे चरण के मतदान पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कई राज्यों में पहले चरण की तुलना में अच्छी वोटिंग देखने को मिली है, यानी वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया है फर्स्ट फेज के मुकाबले। दूसरे चरण के अच्छे मतदान पर पीएम मोदी ने भी बयान दिया है, ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को मिले सपोर्ट से विपक्ष में निराशा और बढ़ेगी। मतदाता एनडीए का गुड गवर्नेंस चाहता है। युवा और महिला वोटर्स ने एनडीए को मजबूत किया है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेकेंड फेज की वोटिंग के बाद दावा कर रहे हैं। और दूसरे चरण में कई राज्यों से खबर आई है कि वहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। दरअसल दूसरे चरण में कहां कहां पहले चरण की तुलना में अच्छी वोटिंग हुई है वो आपको आगे बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि दूसरे चरण में आज कहां कहां मतदान हुआ है। 88 सीटों पर आज वोट पड़े हैं, जिनमें मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी की 8 सीटें शामिल हैं, बिहार के सीमांचल इलाके की 5 सीटें, राजस्थान की बाकी बची 13 सीटें भी आज निपट गईं, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हुआ है, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं, महाराष्ट्र की 8, बंगाल की 3, दक्षिण में कर्नाटक की 14 सीटें थी और केरल की 20 सीट, यहां पर इन पर वोटिंग हुई है।
आज जिन 88 सीटों पर वोट डाले गए उनमें बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और बीजेपी का गजब का स्ट्राइक रेट 2019 के चुनाव में दिखा था। 2019 में एनडीए ने 88 में से 60 सीटें जीती थी, यानी 68% का स्ट्राइक रेट रहा था, जबकि इंडी गठबंधन ने 23 सीटें जीती थी और उनका स्ट्राइक रेट मात्र 26% का था। दूसरे चरण की वोटिंग जिन सीटों पर हुई है, कई शहरी इलाकों की सीटें भी इसमें शामिल हैं, जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, बेंगलोर, जोधपुर। कई मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं जिनमें यूपी से अमरोहा है और बिहार से किशनगंज और कटिहार। कई वीआईपी सीटें शामिल हैं, वायनाड से राहुल गांधी की सीट जहां वोट पड़ गया आज, मथुरा से हेमा मालिनी के सीट पर वोट पड़ गया है, मेरठ से टीवी सीरियल के राम अरुण गोविल वो मैदान थे, आज उनके भी किस्मत का फैसला ईवीएम में तय हो गया, प्रभु राम की कृपा बरसी या नहीं ये 4 जून को पता चलेगा। पहले चरण में 102 सीटें हो गई थी, दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग हो गई है, यानी कुल मिलाकर अभी तक 190 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर जिन राज्यों में वोटिंग कंप्लीट हो गई है उनमें केरल है। केरल में चुनाव कंप्लीट हो गया, वहां 20 सीटें थी, 200 सीट पर वोट पड़ गए। राजस्थान, यहां 25 सीट थी, वहां 25 की 25 सीट पर वोट पड़ गए, राजस्थान में भी वोटिंग कंप्लीट। मणिपुर की 2 सीट, मणिपुर में चुनाव कंप्लीट, त्रिपुरा में चुनाव कंप्लीट। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग पड़ गई, वहां चुनाव कंप्लीट। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड की 1-1 सीट पर वोट पड़ गया, वहां चुनाव कंप्लीट। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें थी, वहां पर भी वोटिंग हो गई, यानी इन राज्यों में वोटिंग कंप्लीट हो गई, चुनाव कंप्लीट हो गया। लेकिन आज दूसरे चरण में वोटिंग का पैटर्न क्या रहा, किस तरह का माहौल रहा, खासतौर पर यूपी के शहरी इलाकों में, आपको वो दिखाता हूं। यूपी में नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में आज वोटिंग जमकर हुई। इसके अलावा मेरठ और मथुरा जैसे शहरों में भी वोटिंग हुई। आमतौर पर यह कहा जाता है कि शहरी वोटर वोट देने के लिए कम निकलता है, वोटिंग वाले दिन को छुट्टी वाला दिन मान लेता है, शुक्रवार भी था तो लॉन्ग वीकेंड का भी मौका था, लेकिन वीकेंड पर जाने से पहले शहरी वोटर वोट डालने निकला। सुबह सुबह लंबी लाइनें देखने को मिली, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी दिखे, महिलाएं भी थी। यूपी में तो कानून व्यवस्था का मुद्दा महिलाओं के लिए सबसे अहम था। मेरठ से, जहां से अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से एक रिपोर्ट देखिए जिससे आपको यूपी का कुछ कुछ चुनावी ट्रेंड समझ में आएगा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। आपके लिए इस चुनाव में अहम मुद्दा क्या है जिसके कारण आप वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा है। विकास आप महत्वपूर्ण मानती हैं? महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से देखती हैं? होना चाहिए केंद्र सरकार, रक्षा होनी चाहिए महिलाओं का। वो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है उत्तर प्रदेश का, मेरठ का? उत्तर प्रदेश तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है मैम? हाँ सही है, बढ़िया चल रहा है। और आप किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आई हैं? अपने देश के विकास के लिए ही आए हैं। विकास के लिए? महिलाओं का संरक्षण हो, सुरक्षित रहे महिलाएं देश में, सुरक्षित रहे, हिंदू राष्ट्र बना रहे। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट डालने आई हैं आज? विकास, विकास के मुद्दे पर। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है? सही, बहुत सही है। महिलाएं सुरक्षित रहती हैं? सही, हाँ। पहले गड़बड़ था कि अभी ठीक है? अभी ठीक है। पहले ठीक नहीं था? नहीं, पहले नहीं ठीक था। मेरठ में महिला वोटर जो है वो जमकर विकास की बात कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है यूपी में ये बता रही हैं। अब ये सेंटिमेंट क्या है आप खुद समझ सकते हैं। यूपी में आज की वोटिंग की एक खास बात यह भी है कि यूपी की सभी 8 सीटों पर अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोटर्स थे। यूपी की जिन 8 सीटों पर आज वोट डाले गए उनमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या अगर देखें तो अमरोहा में करीब 35% मुसलमान वोटर, मेरठ में करीब 23%, अलीगढ़ में 19%, बागपत में 19%, बुलंदशहर में करीब 19% मुस्लिम वोटर, गाजियाबाद में करीब 25% मुस्लिम वोटर, गौतम बुद्ध नगर में करीब 16% और मथुरा में करीब 8.5% मुस्लिम वोटर। इनमें अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें बीजेपी ने 2019 में जीत ली थी। मुस्लिम वोटर्स में वोटिंग का क्या पैटर्न रहा, क्या मोदी सरकार की योजनाओं का असर भी मुस्लिम वोटर्स में दिखा, या फिर मुस्लिम वोटर्स ने पुराने ट्रेंड पर ही वोट किया कि जो बीजेपी के खिलाफ माना जाता रहा है, आपको अलीगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। वहां पर मुस्लिम महिलाएं पीएम मोदी को लेकर क्या कह रही हैं आप खुद सुनिए, आपको समझ में आएगा क्या माहौल है मुस्लिम वोटर और मुस्लिम महिला वोटर के बीच। फिर मेरठ का हाल भी आपको दिखाऊंगा। अलीगढ़ में मुस्लिम औरतें खुश हैं इस बार विकास से या बदलाव चाहती हैं? जी खुश हैं। आप लोग, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? कोई जो हुक्म उठाए ऊपर वाला, जो खड़ा। मोदी के काम से खुश हैं या आपको राहुल गांधी चाहिए या कोई और चाहिए?
जो आज हुक्म उठा, जो खड़ा आज उसकी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मोदी जी कहते हैं हमने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, 3 तलाक हटवा दिया है और अलग अलग योजनाएं बनाई, इससे आप लोगों को कुछ लग रहा है कि मुस्लिम महिलाएं खुश हुई हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इस बार यहाँ से बीजेपी जीतेगी या कोई और जीतेगा? दुआ तो यही ऊपर वाले से जीतेगी, बीजेपी जीतेगी जी। और ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स में एक ऐसी मान्यता होती है कि वो बीजेपी के साथ जाते नहीं है, तो आपको लग रहा है आप लोग बीजेपी के साथ हो? जी। मोदी जी से खुश हैं, काम से खुश हैं आप? नहीं नहीं, बीजेपी के साथ हैं हम तो। अब बताइए, मुस्लिम महिलाएं भी कह रही हैं हम बीजेपी के साथ हैं और जो प्रधानमंत्री है वही रहना चाहिए। इसी तरह से मेरठ में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पर तो बीजेपी की तरफ से सीरियल के भगवान राम चुनाव लड़ रहे थे। मेरठ की सीट पर मुस्लिम वोटर्स का क्या वोटिंग पैटर्न रहा, कौन से मुद्दे पर उन्होंने वोट किया, आपको वो भी दिखाता हूं। फिर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली सीट अमरोहा की बात करूंगा, लेकिन पहले मेरठ के मुस्लिम वोटर्स को सुनिए। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन था, ये खत्म होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, होना चाहिए था ना, खत्म होना चाहिए था, जी होना ही चाहिए था। मतलब आप मानते हैं इसको खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, बीजेपी कह रही है कि इस देश में हर नागरिक बराबर है तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, आप भी ये बात मानती हैं? जी बिल्कुल, होना चाहिए सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। जी, तो ये तो कुप्रथा खत्म कर रही है बीजेपी और आप लोगों को बराबरी का अधिकार दे रही है, अच्छी चीज है। हाँ क्यों नहीं है, कानून तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, कानून के लिए कोई सब नहीं है, सब एक ही तरफ होना चाहिए सारी चीजें। अच्छा, एक कानून और सबका अधिकार समान, उसको लेकर क्या सोच? बिल्कुल सही सोच है, एक अधिकार होना चाहिए और कानून जो है फेयर होना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये ना हो कि एक हिंदू है तो हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए अलग है, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए। दूसरे मुद्दे वोट डालते हैं, ट्रिपल तलाक जो है वो मुसलमानों का इंटरनल मामला है, उसमें बीजेपी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मुद्दे तो कुछ नहीं है, वो इसलिए आए थे वोट डालने का, हमारा हक था, अपना हक पूरा करने के लिए आए थे यहाँ पर। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो मुस्लिम वोटर्स के बीच में भी ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो पहुंचा है, और स्पेशली महिलाओं की बात करें, मेरठ के साथ साथ अमरोहा में भी आज वोटिंग थी। अमरोहा में 35% के करीब मुसलमान हैं और वहां से मौजूदा सांसद दानिश अली हैं जो इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमरोहा से बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था जिससे मुस्लिम वोट बटने के चांस हैं और इससे बीजेपी के कैंडिडेट को फायदा हो सकता है। अमरोहा मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी का भी घर है, मोहम्मद शमी ने आज अमरोहा में अपना वोट डाला। मोहम्मद शमी अमरोहा के सहजपुर अलीनगर के रहने वाले हैं, शमी के साथ उनके भाई और भाभी ने भी मतदान किया। वोट डालने के बाद मोहम्मद शमी ने पीएम मोदी की तारीफ की, मोहम्मद शमी को भी सुनिए। यार मुद्दे हमेशा सही में है, सबके हित में होते हैं हमेशा, कि आप एक अच्छे कॉलेज बनवाएं, आप अच्छे हॉस्पिटल बनवाएं, फैसिलिटीज स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, यही सब सब मुद्दे होते हैं, और तो कुछ नया मुद्दा है नहीं यहाँ पे। देखिए ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अगर पीएम आपके लिए कुछ दो वर्ड बोलते हैं वो मेरे, उसके लिए मैं बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा नाम लिया है और मेरे घर में आके भी लिया उन्होंने, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दूसरे चरण की वीआईपी सीटों का क्या हाल रहा अब आपको वो भी बताता हूं। दूसरे चरण की जो चर्चित सीटें रही हैं उनमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, कोटा से ओम बिड़ला, मेरठ से अरुण गोविल, मथुरा से हेमा मालिनी का नाम है, बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या, उनके लिए भी मतदान हो गया आज, मांड्या से HD कुमार स्वामी, MP के खजुराहो से VD शर्मा, बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव, इन सब की किस्मत का फैसला आज वोटर ने कर दिया। इसमें केरल की वायनाड की सीट पर सबकी नजर है क्योंकि यहां से राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में अमेठी से हारे राहुल गांधी को वायनाड ने सहारा दिया था और वायनाड सीट से वो 4 लाख वोट से जीते थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी के लिए वायनाड आसान नहीं है और वहां पर उनके सामने कई चैलेंजेस हैं, जैसे बीजेपी की तरफ से मजबूत कैंडिडेट और CPI ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा है। वायनाड में जब आज वोटिंग हुई है वहां से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि वायनाड में आज क्या माहौल था, आपको पता चलेगा क्या कोई सरप्राइज हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर आपको बताऊंगा कि वायनाड में वोटिंग के दौरान क्या बवाल हो गया। दक्षिण में जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए ये मुकाबला जितना आसान 2019 में लग रहा था उतना 2024 में नहीं लगना देना चाहती है बीजेपी, इसी वजह से इस बार मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है। किन चीजों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? वोट दिया क्या कि यहाँ पर रेलवे नहीं है,
अच्छा एक मेडिकल कॉलेज नहीं है और जो जंगली जानवर का हमला है वो जो ठीक करेगा उसको वोट दिए। एक तरफ जहां राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, एक महीने तक धुआंधार प्रचार किया गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बीजेपी केरल के अध्यक्ष के सुरेंद्रन राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं। वायनाड में वोटिंग के दौरान बीजेपी ने बड़ा आरोप भी लगा दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वायनाड के कन्यम पटा इलाके में बीजेपी के बूथ ऑफिस पर हमला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे चरण की एक चर्चित सीट बिहार की पूर्णिया भी है, क्योंकि यहां पर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर मुकाबले को तीन तरफा बना दिया। लेकिन वोटिंग वाले दिन पप्पू यादव जिस तरह की बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि एनडीए को जानबूझकर वॉकओवर दिया गया है, उससे तो लग रहा कि पूर्णिया में उनका मामला गड़बड़ है। और वहां एनडीए की ही बात अगर वो कर रहे हैं कि वॉकओवर मिला है तो एनडीए मजबूत है। फिर तो एक बार पप्पू यादव को सुनिए, फिर बताता हूं दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई बंगाल में क्या बवाल हुआ है। सर, हमको कोई उम्मीद नहीं है। जनता की जो उम्मीद है वही उम्मीद है। जनता ने ब्लेसिंग दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। जनता की चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है, उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है। एक व्यक्ति को खत्म करने की पूरी तैयारी हुई, साजिश हुई, प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी तीन बार आए, रोड शो किए, कुछ लोगों ने माँ भारत की पटकथा लिख दी। पटकथा लिखने के बाद मुझको आश्चर्य है कि हाँ, हर तरह के कुकर्म किए, पाप किए, एनडीए को जिताने के लिए आए। इतनी गंदी राजनीति क्यों की है मुझे नहीं पता, और 24 में उन्होंने एनडीए को वॉकओवर क्यों दिया है लोगों ने मुझको नहीं पता। यानी पप्पू यादव तो एनडीए के लिए वॉकओवर बता रहे, यानी वहां कौन विजेता होगा ये पप्पू यादव क्लियर कर रहे हैं। उधर आज बंगाल की भी तीन सीटों पर वोट डाले गए। इसमें बालूरघाट सीट पर हंगामा हो गया। यहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आरोप है कि पोलिंग बूथ के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार को घेर लिया। सुकांता मजुमदार बालूरघाट सीट से उम्मीदवार है। दरअसल एक बूथ पर गड़बड़ी की शिकायत पर बीजेपी उम्मीदवार वहां पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस से बहस हो गई। जैसे ही वो बूथ पर गए, उन्हें देखकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। दूसरे चरण की वीआईपी सीटों पर दिनभर क्या माहौल रहा, क्या मुद्दा रहा, क्लोज फाइट वाली सीटें कौन सी रही, हमारे रिपोर्टर दिनभर ग्राउंड पर रहे, उनसे सीधी बात करते हैं। वायनाड से हमारे साथ रंजीता झा जुड़ी हुई हैं, मेरठ से अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और बेंगलुरु से पिंकी राजपुरोहित पूरी डिटेल के साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा मथुरा और पटना से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। जरा इन लोगों से एक एक रिपोर्ट लेते हैं। सबसे पहले वायनाड के बारे में आपको बताते हैं, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। रंजिता, जरा वायनाड के बारे में बताइए, क्या माहौल आपको वायनाड में दिखा? साउथ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर राहुल गांधी को लेकर जनता में कैसा माहौल आपको ग्राउंड पर नजर आया वायनाड में? रंजिता, वायनाड की सीट की अगर बात करें तो ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहां से दूसरी बार उम्मीदवार है। पिछली बार राहुल गांधी 4 लाख की मार्जिन से जीते थे, लेकिन वायनाड की जनता का कहना है कि इस बार मार्जिन कम होगा क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। कुछ वोटरों का कहना है कि राहुल गांधी क्योंकि राष्ट्रीय नेता है, इस वजह से वायनाड में ज्यादा नहीं आ सके क्योंकि देश भर में उन्हें प्रचार करना था और देश भर की सीटों पर उनको ध्यान रखना था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं वोटर कि राहुल गांधी को हमने सांसद चुनकर संसद में भेजा, लेकिन संसद में राहुल गांधी ने वायनाड के मुद्दे को नहीं उठाया। यानी राहुल गांधी का वहां नाम दिखना, राहुल गांधी क्या मार्जिन कम हो सकता है, ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं। मेरठ की बात करते हैं, रामायण के राम यानी अरुण गोविल को वहां से टिकट मिला था। अनुराग, मेरठ में मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है, अरुण गोविल बाहर से आए, ऐसे में वोटिंग पैटर्न वहां का क्या कह रहा है? कि आपके लिए इस चुनाव में अहम मुद्दा क्या है जिसके कारण आप वोट डालेंगे? विकास का मुद्दा है। विकास आप महत्वपूर्ण मानती हैं? महिलाओं का सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से देखती हैं? होना चाहिए, होना चाहिए। केंद्र सरकार रक्षा होनी चाहिए महिला। अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस बार इस सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इस सीट पर इस बार के चुनाव की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले यहां पर वोटिंग कम हुई है।
और इसे हर राजनीतिक दिग्गज अपने अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मेरठ की सीट पर जब आज मैंने रिपोर्टिंग की तो ये जरूर देखा कि यहां मुस्लिम बाहुल सीटों पर वोट बंपर तरीके से पड़े। जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद थे वहां पर दिन भर जो लोग थे या जो वोटर थे वो अपने घरों से निकले और वो यहां पर वोट करने के लिए आए। कहा जाता है कि ये इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका है और ऐसे में ये जो वोटर टर्नआउट हुए हैं, मुस्लिम वोटर जो पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, इसे पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से देख रही हैं। सब अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर रही हैं। अनुराग, तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं उन दावों में किसका दावा पूरा पुख्ता है और किसके अब तक के मुद्दे जो जनता के बीच उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की, जनता ने उस पर विश्वास किया और वोट दिया है, ये तस्वीर पूरी तरह से चार तारीख यानी सबके अपने दावे मेरठ में भी दिख रहे हैं। बेंगलुरु में, बेंगलुरु रूरल में हमारी सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त, पिंकी राजपुरोहित। पिंकी, जरा कर्नाटक में किस तरह का दूसरे चरण में मतदान रहा है और वहां से क्या खबर बताइए। देखिए, लोकतंत्र के पर्व का दूसरा फेज आज खत्म हो चुका है, जहां पर कर्नाटका की 28 सीटों में से 14 सीटों पर जनता जनार्दन ने प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद कर लिया है। जहां तक बेंगलुरु की तीनों सीट का सवाल है, खासतौर पर नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ में, तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा जरूर भारी लग रहा है। और जिस जगह पर इस वक्त मौजूद है, ये जगह जो है बेंगलुरु रूरल के तहत आती है, जहां पर सीधा मुकाबला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश और एनडीए कैंडिडेट जो है डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं जेडीएस क्योंकि गठबंधन में है और देवेगौड़ा के दामाद है, इसीलिए ये सीट जो काफी हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है। जहां पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि डीके सुरेश का सीधा सामना जो है देवेगौड़ा के दामाद से हो रहा है, यानी वहां भी क्लोज फाइट हो सकती है। मथुरा की सीट की भी जल्दी से बात करेंगे। बीजेपी ने वहां हेमा मालिनी को फिर से टिकट दिया है। कुछ चर्चा ऐसी थी कि मथुरा में जनता हेमा मालिनी से नाराज भी हो सकती है। रविकांत हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। मथुरा में क्या माहौल दिखा रविकांत? पूरे दिन हमने लोगों से बातचीत की, नेताओं से बातचीत की और उनकी राय को जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हेमा मालिनी को लेकर थोड़ी नाराजगी तो मथुरा के वोटर्स में है, क्योंकि वो लोगों से मिलती जुलती कम है। बावजूद इसके जो आम पब्लिक है मथुरा की, वो इस बात को बखूबी जानती है कि वोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर रही है, इसीलिए कैंडिडेट जो है वो गौड़ हो जाता है, यानी उसके नाम के मायने बहुत कम है। जो वोट पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की छवि को देखकर लोग मथुरा में वोट कर रहे थे। से नाराजगी हो सकती है लेकिन नरेंद्र मोदी से नाराजगी नहीं है और उनके चेहरे पर वोट पड़ रहा है। बिहार में 5 सीटों पर क्या हुआ? साकेत हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। साकेत, 5 सीटों का ट्रेंड बताइए बिहार की। जो ट्रेंड रहा इस पूरे चुनाव में, पांचों सीट पर जो चुनाव हुए हैं उसमें वोटरों का जब मूड हमने देखा तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो दिखा वो विकास का मुद्दा दिखा। कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे विकास देश में हुआ है लेकिन ये विकास और अधिक हो, इसके लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी भी मुद्दा था, कई लोग इन चीजों पर भी बात कर रहे थे वोटिंग देने जब वहां पर पहुंचे, तो कह सकते हैं बेरोजगारी, महंगाई और विकास एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया है। साथ ही साथ राम मंदिर का भी मुद्दा, जो महिलाएं थी खास करके वो इन मुद्दों को समझ रही थी, इस मुद्दे के आधार पर वो बाहर, यानी बिहार में भी विकास की बात हुई है, वोटर्स ने की है, इससे भी थोड़ा सेंटिमेंट समझा जा सकता है। आज की वोटिंग में कई वीआईपी वोटर्स भी दिखे हैं, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आज के वोटर टर्नआउट को देखिए कि कैसे पहले फेज के मुकाबले वोटर टर्नआउट इस फेज में बढ़ गया है। मैं आपको बताता हूं कि वोटर कितना घरों से बाहर निकले, क्योंकि पहले फेज में जो वोटर टर्नआउट था उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था, हालांकि बस 2-3% का फर्क आखिर में रहा, लेकिन उसको भी माहौल बनाया गया था। जैसे आप देखें फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप देखेंगे कि वोटर टर्नआउट क्या रहा है, वोटिंग प्रतिशत, अगर इन दो फेजेस में, जैसे अगर आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में जो पहला चरण हुआ उसमें वोटिंग हुई थी 57.7%। आज के लिए अभी फाइनल डेटा आना बाकी है, लेकिन ऑलरेडी 3% की बढ़त दिख रही है, 2.3% की, 60% क्रॉस हो गया है। बिहार में अगर आप देखिए, एक और हिंदी भाषी प्रदेश, वहां पर पहले चरण में 49.3% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार दूसरे चरण में अभी फाइनल डेटा नहीं आया है, लेकिन ऑलरेडी 6 बजे तक 54% मतदान हो गया था, यानी 5% का जंप है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे,
छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है कि पहले फेज में जो वोटिंग हुई थी वो 68.3% हुई थी, लेकिन अगर आप दूसरे फेज में देखेंगे तो यहां भी 5% का जंप दिख रहा है, 73%। यानी नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग और जिस तरह से उन्होंने गियर शिफ्ट किया दूसरे फेज के पहले, उसका असर हो सकता है हुआ है और लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले। हालांकि फाइनल डेटा कितनी वोटिंग हुई आने में अभी थोड़ा और समय लगेगा, यानी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वोटर टर्नआउट भी बढ़ता दिख रहा है। इसलिए जो लोग वोटर टर्नआउट को लेकर अलग नैरेटिव बनाने में जुटे हैं वो चुनावी रीडिंग में पहले ही भी फेल हो चुके हैं और इस बार भी माहौल बनाते ही रह जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर कहीं मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो यह भी हो सकता है कि विपक्षी गठबंधन से ही लोगों की उम्मीदें खत्म हो। ये क्यों इन लोगों ने मान लिया है कि भाई बीजेपी का वोटर नहीं निकला, हो सकता है कि विपक्ष का वोटर ना निकला हो कि ये तो हार ही रहे, या कांग्रेस का वोटर ना निकला हो कि ये लोग राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं गए थे तो हम नहीं जाएंगे वोट देने। लेकिन माहौल बनाने वाले माहौल बनाते हैं, इसलिए वोटर टर्नआउट को लेकर किसी नतीजे पर अभी पहुंच जाना किसी नैरेटिव बनाने जैसा होगा। फिर भी लोगों की अपनी अलग अलग राय है और इस राय के बीच चुनाव आगे बढ़ रहा है। दूसरे चरण में आज जिन वीआईपी वोटर्स की बात कर रहा हूं उन वीआईपी वोटर्स के बारे में बताता हूं। आज एमपी के छतरपुर सीट पर भी वोट डाले गए, जहां बाबा बागेश्वर ने पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। ये देखिए उनकी भी तस्वीर आई है, अब इन्होंने तो पर्चा खोल के पहले ही निकाल लिया होगा शायद कि कौन जीत रहा है, लेकिन वोट डालने गए और बाबा बागेश्वर ने उसी स्कूल में बने पोलिंग बूथ में वोट डाला जहां उन्होंने कभी पढ़ाई की थी। वोटिंग के बाद बाबा बागेश्वर ने पहले मतदान फिर जलपान की बात कही, सुनिए एक बार उनको। विद्या के मंदिर में जहां हमने अपने जीवन के प्रारंभ अध्ययन किया है उस विद्या के मंदिर में मतदान करने आए हैं, जलपान भी नहीं किया है, सच्ची बता रहे हैं आपको। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मतदान बाद में जलपान, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, विश्व का महापर्व है और इसमें जो है हम सबको जागे हुए भारतीय होने के नाते जागे हुए भारतीय का परिचय देना चाहिए। जिन्हें वोट देने का अधिकार उन्हें वोट अवश्य देना चाहिए, ताकि लोकतंत्र है मजबूती के साथ आप अपने अधिकार अपने विवेक के साथ में वोट दे करके आप अधिकार का पालन कर सकते हैं, अपने अधिकार। दूसरे चरण में कई मशहूर हस्तियों ने वोट डाला, जैसे बिहार की भागलपुर सीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने वोट किया। नेहा शर्मा भागलपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा की बेटी है। चुनाव के दौरान नेहा ने अपने पिता के समर्थन में रोड शो भी किया था। बेंगलुरु में टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने वोट डाला। राहुल द्रविड़ वोटिंग के लिए लाइन में खड़े दिखे और एकदम आम व्यक्ति की तरह राहुल द्रविड़ सिंपल सी टी शर्ट और हाफ पैंट में आए वोट किए। ये देखिए हाफ पैंट में खड़े हैं अपना। और वोट डालने के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि हर किसी को वोट करना चाहिए। फिल्म केजीएफ से अभिनेता यश भी वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान मतदान केंद्र पर भारी भीड़ देखी गई। यश ने बेंगलुरु के होसा केरेहल्ली मतदान केंद्र पर मतदान किया। इस दौरान यश ने वहां मौजूद अपने फैंस से मुलाकात भी की। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप ने भी बेंगलुरु में मतदान किया। वोटिंग के बाद किच्चा सुदीप ने कहा कि इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे भी हैं, मतदान एक आशा है आश्वासन नहीं। बुलंदशहर में भी लाल जोड़े में दुल्हन वोटिंग के लिए पहुंची। ये देखिए इन जागरूक वोटर का नाम दीप्ति शर्मा है। विदाई से पहले दीप्ति शर्मा ने वोट डाला। दीप्ति ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर वोट कर रही है, यानी उन्होंने पहले पति को चुन लिया और उसके बाद देश चलाने के लिए किसे चुनना है यह जिम्मेदारी भी निभाती। इसी तरह महाराष्ट्र के अमरावती में भी एक दूल्हा शादी से पहले वोट डालने पहुंचा। ये देखिए शेरवानी पहले पहने हुए इस वोटर ने वोट डाला। मतदान के दूसरे चरण में आज बिहार के कटिहार से एक शानदार तस्वीर सामने आई। शादी के अगले ही दिन दूल्हा और दुल्हन मतदान करने पहुंचे। इस दौरान दोनों शादी के जोड़े में नजर आए। दंपति ने वोट डालने के बाद फोटो के लिए पोज भी किया। अच्छा तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की भी देखिए। यहां मतदाता ढोल नगाड़ों के साथ मतदान करने निकले। लोगों ने ऐसा करके दूसरों को भी वोट करने के लिए प्रेरित किया। गाजियाबाद में भी वोटिंग के दौरान वोटर जोश में दिखे। गाजियाबाद लोकसभा सीट के हापुड़ इलाके में वोटर्स का ग्रुप भैंस गाड़ी लेकर मतदान केंद्र तक पहुंच गया। नोएडा में एक वृद्ध महिला एम्बुलेंस में सवार होकर मतदान करने पहुंची। दरअसल नोएडा की रहने वाली इन महिला की हाल में ही ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मतदान करने का निर्णय लिया और एम्बुलेंस में सवार होकर मतदान करने के लिए पहुंची। तो ये जो 60-70% वोटिंग होती है और जो 20-30% लोग नहीं निकलते हैं, वो इन लोगों को देखें और सीखें कि लोग कैसे कैसे हालात में भी देश के लिए बाहर आते हैं वोट डालने के लिए। इधर दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, उधर बंगाल में पीएम मोदी की रैली से ऐसी तस्वीरें आ गई कि इंडी गठबंधन और खासतौर पर ममता बनर्जी की नींद उड़ गई होगी। अब पाठशाला में इसी का चैप्टर।
वैसे तो पीएम मोदी की चुनावी रैलियों में भीड़ दिखना आम बात है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के मालदा में जिस तरह की भीड़ पीएम मोदी की सभा में पहुंची, उससे टीएमसी की टेंशन बढ़ने वाली। पीएम मोदी की सभा में इतना बड़ा जनसैलाब आ गया कि टेंट छोटा पड़ गया। बंगाल में लोगों की भीड़ तपती धूप में पीएम मोदी का भाषण सुनती रही। चिलचिलाती गर्मी के बीच लोगों के इस कष्ट को देखकर पीएम मोदी ने मालदा के लोगों से माफी मांगी। पीएम मोदी के इस अंदाज को देखकर लोग गदगद हो गए। इसके बाद जो बात पीएम मोदी ने कही, उसने पश्चिम बंगाल के लोगों का दिल ही जीत लिया। मालदा पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले रोड शो किया। हेलीपैड से लेकर चुनावी सभा तक लोगों की भीड़ जो है वो पीएम मोदी का इंतजार करती दिखी। उनकी एक झलक देखने के लिए आप देखिए बंगाल में क्या माहौल था। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे नरेंद्र मोदी को बस देख लेने के लिए। पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया, वो भी अपनी कार के बाहर आकर लोगों का अभिवादन करते हुए दिखे। जरा दिखाइए एक बार तस्वीर। तो आप देख रहे हैं लोगों का जबरदस्त समर्थन नरेंद्र मोदी के लिए दिख रहा है और चिलचिलाती गर्मी में दिख रहा है। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा करने के लिए पहुंचे, जहां लोगों की भीड़ को देखकर वो भी दंग रह गए। हालत ये हो गई कि पीएम मोदी के बीच भाषण में लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। इन नारों की गूंज की वजह से पीएम मोदी को अपना भाषण रोकना पड़ा। इसके बाद पीएम मोदी ने जो बात कही, उसने बंगाल के लोगों को खुश कर दिया। सुनिए पीएम मोदी को लेकर वहां क्या माहौल था, उन्होंने क्या कहा। इसके बाद मालदा और इसके आसपास का गणित भी बताऊंगा, क्योंकि इस इलाके में टक्कर में सिर्फ बीजेपी ही है। साथियों, ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर, आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की किस मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। अब आप देख रहे हैं, बॉस मोदी मोदी हो रखा है बंगाल में, धुआं धुआं, गजब। लोग देख रहे हैं, भीड़ जो है वो अलबलाई हुई टाइप है कि कैसे नरेंद्र मोदी को देख लें। मोदी मोदी चल रहा है, जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। ये बंगाल का माहौल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मालदा में अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया था। मालदा में दो लोकसभा सीटें आती हैं, इसमें पहली है मालदा उत्तर और दूसरी है मालदा दक्षिण। दोनों सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। 2019 में मालदा उत्तर से बीजेपी ने टीएमसी को 84,288 वोट से हरा दिया था, जबकि मालदा दक्षिण में बीजेपी 8,222 के मामूली अंतर से कांग्रेस से हार गई थी और टीएमसी तीसरे नंबर पर थी। इसके अलावा मालदा के बगल में बीरभूम लोकसभा सीट है, जहां 2019 में बीजेपी ने टीएमसी को अच्छी टक्कर दी थी और दूसरे नंबर पर आई थी। बीजेपी को यहां 5,65,000 से ज्यादा वोट मिले थे, हालांकि टीएमसी 88,924 वोट से यह सीट जीत गई थी। लेकिन इस बार चुनावी जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी मजबूत स्थिति में, और इसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन आज मालदा में जिस तरह से भीड़ पीएम मोदी की सभा में पहुंची, उससे बीजेपी की का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। अब आपको पीएम मोदी की वो बात भी सुनवाता हूं जिसने मालदा की भीड़ को गदगद कर दिया। लोग दूर दूर तक धूप में खड़े हैं, मैदान छोटा पड़ गया, हमारी व्यवस्था छोटी पड़ गई, आपको तकलीफ हो रही है, जो धूप में तप रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। ये जो आपको तकलीफ हो रही है ना, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। बंगाल में इस बार बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, उनका कोई ठोस जवाब टीएमसी के पास दिखाई नहीं दे रहा।
पहले आपको वो मुद्दे बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। टीएमसी सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो इन घुसपैठियों को बसाने में मदद करती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सीएए की अधिसूचना जारी करके इस मुद्दे का तगड़ा जवाब तैयार कर लिया। कहा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले सीएए की अधिसूचना लागू होने के बाद बंगाल का बड़ा वोटर वर्ग बीजेपी के साथ आ सकता है। इसके अलावा संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर जिस तरह टीएमसी सरकार मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को बचाती रही, उससे बंगाल के लोगों के मन में टीएमसी के खिलाफ नाराजगी है। हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया, उससे टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप और पक्के हो गए। इससे भी लोग ममता सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बंगाल में जिस तरह इंडी गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, उससे बीजेपी को मजबूत होने का गोल्डन चांस मिल गया है, क्योंकि बंगाल में जो बीजेपी विरोधी वोट होगा वो ममता और इंडी गठबंधन में बट जाएगा। बंगाल में सीए के मुद्दे से बीजेपी को ममता बनर्जी पर बढ़त मिली हुई दिख रही है। सीए का मुद्दा शुरू से ही बीजेपी का चुनावी वादा भी रहा है, लेकिन इससे बीजेपी को बंगाल में किस तरह फायदा मिल सकता है उसका एक और उदाहरण बताता हूं। सीए लागू होने से बंगाल के मतुआ समुदाय को नागरिकता मिलेगी। बंगाल में मतुआ समुदाय की करीब 10 लाख से ज्यादा आबादी है। 1971 में विभाजन के बाद मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर हिंदू शरणार्थी के रूप में पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने मतुआ समुदाय से सीए नागरिकता देने का वादा किया था, जो इस बार पूरा होने जा रहा है। मतुआ समुदाय के बीजेपी के साथ आने से पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर असर पड़ सकता है। इनमें नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों की कम से कम 4 लोकसभा सीटों में मतुआ समुदाय जीत और हार तय करते हैं। और पाठशाला में अब अगली क्लास। चलती वोटिंग के बीच नरेंद्र मोदी के लिए वो खबर आई कि खेला हो गया। मोदी शाह की जोड़ी ने आज कांग्रेस की दुखती नस कैसे फिर से दबा दी है, और चुनावी खबरों का वो कंप्लीट चैप्टर जो देख लिया तो मतलब सब जान लिया। आज सेकंड फेज की चलती वोटिंग के बीच मोदी विरोधियों के साथ बड़ा खेला हो गया। मोदी विरोधी को 3 बड़े झटके लगे। पहला झटका तो सुप्रीम कोर्ट से लगा, क्योंकि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भैया बैलेट पेपर से तो चुनाव नहीं ही होंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा झटका मोदी विरोधियों को तब लगा जब नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो निकाल कर रख दिया कि कैसे कांग्रेस देश के संसाधनों पर मुसलमानों के पहला हक होने की पैरवी कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, मैंने आपको बताया था, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा था। कह रहा था कि मनमोहन सिंह ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही। लेकिन मनमोहन सिंह का नया वीडियो आ गया जिसमें क्लियर कट दिख रहा है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक होने की बात वो साफ साफ कह रहे हैं और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। वो वीडियो दिखाऊंगा अभी। मोदी विरोधियों को तीसरा झटका उन तस्वीरों को देखकर लगा जो तस्वीरें बंगाल से आई, जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा क्रेज दिख रहा है बॉस बंगाल में, गजब एकदम, और इससे पहले किसी नेता के लिए शायद ही दिखा हो। एक बार बंगाल में पीएम मोदी का जो जलवा दिखा उसे देख लीजिए, फिर बताऊंगा कि मनमोहन सिंह के नए वीडियो ने कैसे आगे के चुनाव को पलट कर रख दिया है। बंगाल की बात आगे करेंगे, लेकिन देख लीजिए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। और सिर्फ कांग्रेस को नहीं, उनका जो पूरा इकोसिस्टम काम करता है, जो दूसरे पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं, वो लोग खुद क्या करते हैं, फर्जी फैक्ट चेकर्स क्या करते हैं, आज सब सामने आ गया। क्योंकि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम इस बात से भड़का हुआ था कि पीएम मोदी ने कैसे ये बात कह दी भाई कि मनमोहन सिंह और कांग्रेस देश के संसाधन पर मुसलमानों का पहला हक मानते थे। इसी बात के आधार पर पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। इस बात को लेकर पूरा इंडी गठबंधन पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। पीएम मोदी की बातों का फर्जी फैक्ट चेक भी किया जाने लगा था। लेकिन आज ये सब फर्जी फैक्ट चेकर्स और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम सन्नाटे में चला गया भाई। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि हां नरेंद्र मोदी ने सही वीडियो दिखाया। जब मनमोहन सिंह का 2009 का एक वीडियो सामने आ गया तो यह सब गायब हो गए।
2009 के इस वीडियो में मनमोहन सिंह अपने 2006 वाले उस बयान पर कायम रहने की बात कर रहे हैं, जिस बयान में मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। आपको मनमोहन सिंह का 2009 का वो पुराना बयान दिखाता हूं, सुनिए कैसे मनमोहन सिंह ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हां मैं तो इस पर कायम हूं। फिर आपको बताऊंगा कि इस बयान को लेकर आज पीएम मोदी ने कांग्रेस को कैसे घेरा है। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added a layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी अगर वो गरीब है तो उसका देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है और मैं अपने बयान पर कायम हूं। क्यों बॉस? अगर कोई सिख गरीब है वो भी तो माइनॉरिटी है, उसका पहला अधिकार क्यों नहीं है देश के संसाधनों पर? अगर कोई जैन है वो भी तो माइनॉरिटी है, अगर वो गरीब है तो उसका क्यों नहीं अधिकार है? अगर कोई ईसाई गरीब है तो उसका क्यों नहीं अधिकार है पहला? पारसी का क्यों नहीं है? सारे अल्पसंख्यकों का क्यों नहीं है? मुसलमान का पहला अधिकार क्यों है बॉस? यानी मनमोहन सिंह ने एक बार नहीं दो दो बार यह बात कही कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। साल 2006 में मनमोहन सिंह ने बयान दिया था कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों को विकास में समान भागीदारी मिले, संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। फिर साल 2009 में मनमोहन सिंह ने बयान दिया कि मैंने कहा था कि अल्पसंख्यक और विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर वो गरीब हैं तो उनका देश के संसाधनों पर पहला दावा बनता है, मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। क्यों भाई? मुसलमान गरीब है तो वो ज्यादा तकलीफ में, और बाकी अल्पसंख्यक गरीब हैं तो वो क्या बंगले में रह रहे हैं क्या? यही कांग्रेस की सोच, मुसलमान मुसलमान करने की सोच नरेंद्र मोदी बार बार एक्सपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब सब साथ रह रहे हैं तो क्यों मुसलमान मुसलमान करते हो? ये सांप्रदायिक होना चाहिए ना कि मुसलमान मुसलमान करते हो। हिंदू मुसलमान करना कैसे सांप्रदायिक है? क्योंकि अगर उसमें हिंदू की भी बात है, मुसलमान की भी बात है, सिख की भी बात है, ईसाई की भी बात है तो वो कैसे सांप्रदायिक है? मुसलमान मुसलमान खाली करने वाला सांप्रदायिक नहीं है। गजब सिस्टम चल रहा है बॉस इस देश में। और मनमोहन सिंह के साल 2009 वाले वीडियो को लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि जब उन्होंने कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को उजागर किया तो यह झूठ फैलाया गया कि मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी का नया वीडियो आया तो नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया। प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा मनमोहन सिंह का नया वीडियो आने के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चुनौती भी दी है और वो चुनौती क्या है। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया, कभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। मनमोहन सिंह का नया वीडियो आया तो पीएम मोदी ने मुस्लिम प्रेम पर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को खुली चुनौती भी दे डाली। पीएम ने कहा कि जो लोग पिछले एक हफ्ते से उनके बाल की खाल निकालने में जुटे हैं वो ये जान लें कि ये 25 साल हो गए मोदी को डराने की बहुत कोशिश की गई लेकिन अब तक डरा नहीं पाए। पीएम मोदी को सुनिए एक बार। जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बगुला हो जाते हैं, उनकी पूरी इकोसिस्टम
पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं, पहले तो समझ ले 25 साल हो गए आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो, अब कोशिश बंद कर दो। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नए वीडियो पर खुद को घिरता देख कांग्रेस ने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर मंथन किया कि क्या नया नैरेटिव सेट किया जाए, और फिर मंथन के बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई पेश की गई। हालांकि सफाई में मनमोहन सिंह के 2009 के वीडियो का कोई जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर मनमोहन सिंह के 2006 वाले वीडियो का हवाला देकर बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाने की कोशिश की। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वीडियो निकाला है जो मनमोहन सिंह जी ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को 9 दिसंबर 2006 को दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि उस वक्त भी मनमोहन सिंह के भाषण का गलत मतलब निकालने की कोशिश की गई, जिसके बाद मनमोहन सिंह जी ने एक दिन बाद ही यानी 10 दिसंबर 2006 को ही अपने बयान पर सफाई भी दे दी थी। मनमोहन सिंह ने यह साफ कर दिया था कि उन्होंने जो भाषण में कहा उसका मतलब यह था कि आर्थिक विकास का जो फायदा है उसमें हमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक महिला और युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब भले ही कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान पर सफाई दे रही है, लेकिन अब भी यह क्लियर नहीं कर रही कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी धर्म का नहीं बल्कि देश के संसाधन पर सबका हक है, और 2009 वाले बयान पर तो कुछ बोली ही नहीं। इसलिए कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर बीजेपी के हमले और तीखे होते जा रहे हैं। पीएम मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह के बयान के बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। नड्डा ने कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक वाला बयान मनमोहन सिंह जी ने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर दिया था। जेपी नड्डा को भी सुन लीजिए, फिर बताऊंगा मैनिफेस्टो को लेकर अमित शाह ने किस तरह कांग्रेस को घेरा है। मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी और जेपी नड्डा के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आज अमित शाह ने जो कहा उससे कांग्रेस के नेता तिलमिला गए। अमित शाह ने कह दिया कि क्या देश शरिया के कानून से चलेगा। अमित शाह को सुनिए, फिर बीजेपी और पीएम मोदी के तीखे हमलों से राहुल गांधी किस तरह बौखला गए हैं यह भी दिखाता हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया है, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है, और शरिया के आधार पर क्या देश चलेगा? पीएम मोदी जिस तरह कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को उजागर करने के लिए अग्रेसिव है उससे कांग्रेस के नेता बौखलाए दिख रहे हैं। आज कर्नाटक के बीजापुर में प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी के बयान में यह बौखलाहट साफ नजर आई। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आजकल घबराए हुए। राहुल गांधी को सुन लीजिए, कल तो भाषा ही बड़ी अजीब थी, आज क्या कह रहे वो भी सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ईवीएम पर विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए, 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह कांग्रेस को एक्सपोज करने में जुटे हैं, तो कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन और वो सभी लोग
आज ईवीएम के मामले में फिर से एक्सपोज हो गए, जो ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहे और ये कहते रहे हैं कि ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन आज ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया जिसने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों के मुंह बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर लंबी बहस, कई दिनों की सुनवाई और कई सबूत देखने के बाद फैसला दिया। और ईवीएम को लेकर याचिकाकर्ताओं ने जो मांगे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी उसमें कोर्ट को कोई दम नहीं दिखा, इसलिए याचिकाकर्ताओं की चार बड़ी मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पहली मांग इन लोगों ने की थी कि ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान हो। कोर्ट ने कहा कि नहीं, चलिए आगे बढ़िए। दूसरी मांग, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा नहीं होगा, आगे बढ़िए। तीसरी मांग, वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में दी जाए और वोटर ही उसे बॉक्स में डाले। कोर्ट ने कहा कि बात ये भी नहीं। चौथी मांग, वीवीपैट की स्क्रीन ट्रांसपेरेंट की जाए ताकि पर्ची कटकर गिरती हुई भी दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि याचिकाकर्ता ये नहीं बता पाए कि ईवीएम की वजह से कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रभावित होते हैं और ना ही ये स्पष्ट कर पाए कि वीवीपैट स्लिप की 100% मैचिंग न होने से वोटर के अधिकारों का कैसे हनन हो रहा है। यानी चार डिमांड थी याचिकाकर्ताओं की, उनकी तरफ से लड़ रहे वकील प्रशांत भूषण की, और चारों को ऐसे मोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया। मतलब लिटरली नहीं लेकिन फेंक दिया गया, एक तरीके से यही हुआ इनके साथ कि जाओ कूड़े में, कोई दम नहीं दिख रहा। अब आपको डिटेल में बताता हूं कि याचिकाकर्ताओं की सभी चार मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने कौन से तर्कों के आधार पर रिजेक्ट किया। जैसे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैलेट पेपर पर वापस जाने की मांग अनुचित है। बैलेट पेपर की खामियों के बारे में हम सभी को पता है, इसको लेकर बहुत से दस्तावेज भी हैं। बैलेट पेपर पर वापस जाकर हम अब तक हुए चुनावी सुधारों को खत्म कर देंगे। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल शक के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों में कोई मिसमैच है, क्योंकि डेटा तो दिखा रहा है कि करोड़ों पर्चियां मिलाई गई, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। इस आधार पर 100% वेरिफिकेशन को अलाउ नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको सबूत देने होंगे। अब तक कई बार मैचिंग हो चुकी है और उनमें कोई गलतियां नहीं पाई गई। पर्चियों का मिलान अगर कर भी दिया गया तो यह बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, मैनुअल काउंटिंग में गलतियों की बड़ी संभावना होगी। वोटर को वीवीपैट की पर्ची हाथ पर देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे वोटिंग प्रक्रिया बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी, वोटर की गोपनीयता प्रभावित होगी। अगर वोटिंग के दौरान कोई सवाल उठाता है तो उससे चुनाव की प्रक्रिया रुक जाएगी और वोटिंग में देरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वीवीपैट की स्क्रीन ट्रांसपेरेंट इसलिए नहीं रखी गई है ताकि वोटर की गोपनीयता प्रभावित ना हो, कि कोई साइड से देख लिया उसको भी पता चल गया, सामने से देखिए साफ दिखता है, आज ही ना सब लोग वोट करके आए, मैं भी वोट करके आया हूं, सबको दिखा है। अभी वोटर के पास अधिकार है कि वो ये कंफर्म कर सके कि जिसे वोट दिया है उसी को वोट पड़ा है कि नहीं। इसके लिए वोटर को 7 सेकंड का वक्त मिलता है। इस दौरान वोटर को वीवीपैट स्क्रीन पर वही सिंबल दिखाई देता है जिस पर उसने वोट किया है और नंबर भी लिखा होता है जिस नंबर का बटन उसने दबाया। पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत थी, सुप्रीम कोर्ट ने सब खत्म कर दिया कि नहीं भाई ये भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को न सिर्फ खारिज किया बल्कि बहुत सख्त टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख बंद करके संदेह करना सही नहीं है। किसी भी सिस्टम या इंस्टीट्यूशन के मूल्यांकन के दौरान हमें संतुलन बनाकर रखना चाहिए, इससे गैर जरूरी अविश्वास बढ़ता है और विकास भी रुकता है। ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी दायर होती रही हैं, अब इस मुद्दे पर विराम लग जाना चाहिए। जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो मौजूदा व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। वोटिंग के लिए ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर या फिर कोई दूसरी पीछे ले जाने वाली व्यवस्था से बचा जाना चाहिए। यानी कोर्ट ने ईवीएम को 100% सही साबित कर दिया और उन लोगों के मुंह पर कालिक पुत गई जो अपनी सहूलियत के हिसाब से ईवीएम का रोना रोते हैं, क्योंकि वो जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, पहले चरण में जब उनको यह बताना है कि नरेंद्र मोदी हार रहे हैं तो ईवीएम ठीक, दूसरे चरण में जब उनको बताना है कि नरेंद्र मोदी हार रहे हैं तो ईवीएम ठीक, लेकिन जब हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम गड़बड़। सुप्रीम कोर्ट ने जहां ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान नहीं करने का फैसला सुनाया तो वहीं कैंडिडेट्स को विकल्प भी दिए। इसके लिए कोर्ट ने दो निर्देश जारी किए। पहला ये कि सिंबल लोडिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट यानी SLU को सील किया जाए और इसे भी 45 दिन तक सुरक्षित रख लिया जाए। दूसरा निर्देश दिया कि चुनाव नतीजे में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार अगर चाहें तो परिणाम आने के 7 दिन के अंदर दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में इंजीनियर्स की एक टीम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच करेगी। हालांकि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई तो खर्च वापस कर दिया जाएगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी सुझाव दिया कि वो इस बात की संभावना तलाशे कि पर्चियों की गिनती मशीन से हो सके और क्या उन पर बारकोड भी लगाया जा सकता है ताकि आने वाले वक्त में इन पर्चियों की गिनती तेजी से हो सके और उसमें कोई गलती भी ना हो। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने ईवीएम को लेकर चल रहे पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर पीएम मोदी ने भी कहा कि ईवीएम को लेकर संदेह पैदा करने का जो पाप किया जा रहा था उन सभी को आज झटका लगा है। सुनिए पीएम। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दो घंटे पहले ही मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ईवीएम पर रोना बंद होगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ बोलने वाले लोगों का एजेंडा यही है कि लोगों के मन में संदेह पैदा करो और अपनी नाकामी का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दो। हर बार ईवीएम को दोष देने वालों को यह देखना चाहिए कि लोगों का भरोसा कैसे जीता जाता है, क्योंकि यही भरोसा है जो जीत दिलाता है, ना कि ईवीएम। लोगों का भरोसा तो नरेंद्र मोदी पर ऐसा है कि बंगाल में जैसे लहर चल रही है। बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में पीएम मोदी की रैली की भीड़ देखकर ममता बनर्जी की भी नींद उड़ी हुई होगी, लेकिन वहां क्या नतीजे हो रहे हैं इस पर भी बात होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने, आज दूसरे चरण के चुनाव में शाम 7 बजे तक 60.96% मतदान हुआ। आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में शाम 6 बजे तक 55.45% वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 77% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान हुआ